आकाश और अंजलि। लेट्स डू दिस। आकाश हाँ? क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आकाश do well. आकाश क्लाइम। आकाश वेरी गुड, शाबाश। एक हाथ छोड़ के अगले होल्ड पर रखो। तुम रुक नहीं सकते आकाश। कम ऑन आकाश, यू कैन डू दिस। हाथ आगे बढ़ाओ। यू कैन डू इट आकाश, कम ऑन। नीचे आ जाओ राइट नाउ। आकाश होल्ड पर से हाथ हटाना है, रोप तुम्हें अपने आप नीचे ले आएगी। सर लगता है डर के मारे फ्रीज हो गया है, हड़बड़ी में हाथ हटाएगा तो वॉल से टकराएगा। आकाश आकाश मेरी तरफ देखो। राना क्रैश मैट्स जल्दी। सर व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू आकाश? हाथ तोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? वेट अर्जुन। Come on आकाश, हैंड होल्ड से हटा दो। लेफ्ट हैंड होल्ड से हटा दो। Come on आकाश, you can do it. Come on आकाश, आकाश leave it आकाश, come on आकाश। बस थोड़ा टर्न करो और मेरी आवाज की तरफ देखो। Come on, Akash. बस अपना हेड टर्न करो। आकाश, यही हूं मैं, बहुत पास। गुड, ऐसे ही मेरी तरफ देखते रहो, कुछ नहीं होगा। गुड अंजलि, गुड। कम ऑन आकाश, अपना हाथ होल्ड से हटाओ, रोप तुम्हें नीचे खींच देगा। हाथ होल्ड से हटा दो। गुड, गुड। अभी राइट हैंड स्लोली, वेरी स्लोली। गुड, मूव इट, लीव इट, छोड़ दो, छोड़ दो अपने हाथ, छोड़ दो। डर की वजह से फ्रीज हो गया था, होता है कभी कभी, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अवस्थी, आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी, इट्स ओके। आज यहाँ आकाश के साथ जो हुआ वो पहाड़ चढ़ते वक्त किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस में टीम लीडर का रोल अहम होता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो संतुलन बनाए रखे, प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पे ध्यान दे, साथ चले और राह दिखाए। और ये सब क्वालिटीज आज हमें यहाँ देखने को मिले। अंजलि, तुमने आज लीडरशिप और टीम स्पिरिट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। I'm proud of you. आप लोगों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेल डन। आज की ट्रेनिंग यही खत्म होती है। कल का कॉल टाइम सुबह 7 बजे 9 बजे। Excuse me. सिराज, मैं थोड़ी देर के लिए रहना चाहता हूँ। ओह, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। अंजलि, तुम अब कैसे? तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा मैंने। थैंक्स की क्या बात है आकाश, तुम मुसीबत में थे तो मैं, ये तो मुझे करना ही था। फ्रेंड्स हैं हम। लकी हूँ मैं कि तुम मेरी फ्रेंड हो, ऐसी फ्रेंड जिस पे मैं डिपेंड कर सकता हूँ। आकाश तुम ठीक हो ना? या मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। अंजलि मैं यहाँ क्यों हूँ? कर क्या रहा हूँ यहाँ? हाउ कम आई एम सो स्टूपिड? पागल हो गया था मैं, सोचा था यहाँ आके सब ठीक। आकाश पर नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आकाश स्टॉप इट, क्या बात है? हुआ क्या? तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे एक्रोफोबिया अंजलि, फियर ऑफ हाइट्स, वर्टिगो जैसी बीमारी है ये। ऊंची जगह पर जाते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पूरी बॉडी जैसे पैरालाइज हो जाती है। जमीन के 10 फुट ऊपर भी होता हूं ना तो फ्रीज हो जाता हूं मैं। फिर भी आज तुम 40 फीट की ऊंचाई तक जा पाए आकाश। मेरी माँ कहती है कि ज़माना भरा पड़ा हुआ है लोगों से जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम्हें खुद को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कोई ना कोई डर लेके जीते हैं, राइट? हाँ, पर मेरी तरफ बेवकूफ़ कोई नहीं है जो ऐसे काम के लिए हाँ कर दे जिसमें वो डर ही मेरी कमज़ोरी बन गया है। मुझे अर्जुन के साथ एवरेस्ट जाना है अंजलि। अर्जुन सबरवाल आज कंट्री का बेस्ट माउंटेनियर है और उसके साथ कौन जाएगा? आकाश जोशी, जो शायद बेस कैंप तक जाने के भी लायक नहीं है। कितना गंदा मजाक किया है ना लाइफ ने। एवरेस्ट की चोटी पे जाने का मौका दिया तो किसे, जिसे वर्टिगो है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे तो लगता है कि लाइफ ने तुम्हें ये चांस दी है अपने डर से जीतने का। सच वही रहेगा आकाश, पर हम उसे देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हैं। और आज तुम हारे नहीं हो, जीते हो। अभी 40 फीट, कल 100 और फिर एवरेस्ट इज द लिमिट। वो क्या कहते हैं, 1000 मील की दूरी भी 1 कदम से शुरू होती है। सो एक दिन 1 कदम, एक दिन 1 कदम। जोधपुर की सारी लड़कियां इतनी समझदार होती है कि तुम्हें कुछ अलग खिलाया तुम्हारी मम्मी ने। हाँ, प्यार के लड्डू और डांट के पापड़ दोनों खूब खाए। चलो अब उठो, नहीं तो हमारी पूरी टीम आज भूख हड़ताल कर देगी। एवरेस्ट स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.